छोटा सा है नैनीताल, लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो आज आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को ले जा रहा हूँ नैनीताल। तो आप लोग नैनीताल देख सकते हो कैसा व्यू है, क्या है। और आपको पता है नैनीताल का मजा तभी है जब वहाँ रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, किड़ो हाल है, कसकाई केम छो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिग बॉस होस्ट कर रहा हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आ जाओगे बिग बॉस में बताओ? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल आप लोगों के लिए, और मेरी वर्किंग भी आज नैनीताल है। एक तीर से दो निशानी करना चाह रहा हूँ मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, अब आप लोग सोचते हो वर्किंग वर्किंग क्या करते रहता है यार। एक्चुअली ना मेरा काम ही ऐसा है कि मेरे को इधर उधर जाना पड़ता है, तो आज की ड्यूटी मेरी नैनीताल की है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक तीर से दो निशाने कर लूं और आप लोगों को भी नैनीताल दिखा दूं। बहुत लोग जो मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं, समझ रहा हूं ना? मतलब जो मेरी फैमिली है इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में, बहुत लोग बाहर के हैं, असम के हैं, बैंगलोर के हैं, मुंबई के हैं, तो उन लोगों ने नैनीताल नहीं देखा है बहुत लोगों ने। तो आज आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को ले जा रहा हूँ नैनीताल। तो आप लोग नैनीताल देख सकते हो कैसा व्यू है, क्या है। और आपको पता है नैनीताल का मजा तभी है जब वहां बारिश हो रही हो या बादल लगे हो। धूप में बिल्कुल मजा नहीं आता है नैनीताल में। और हाँ, अगर आप नैनीताल जा रहे हो तो स्वेटर या अपना जैकेट ले जाना मत भूलना, क्योंकि भाई साहब वहां इतना ठंडा होता है ना, कुछ भी हो सकता है वहां। मौसम ऐसे बदलता है ना, एक मिनट में मौसम बदलता है, जैसे लड़की बदलती है ना। एक नहीं, ऐसा नहीं है, लड़का भी बदलता है भाई। मारो मुझे, कोई भी बदल सकता है, मौसम ऐसे बदलता है जैसे, क्या ही बताऊं मैं आपको। बे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा, पता भी नहीं चलेगा आपको कब गर्मी हो गई कब ठंडा हो गया। तो हाँ, जैकेट ले जाना मत भूलना नैनीताल आ रहे हो तो। सो दोस्तों यार, मैं सोच रहा हूँ ना, मैं रेगुलर वीडियो बना, अच्छा, लेकिन ना मैं बना नहीं पाता यार। मैं सोचता हूँ मैं बोलूंगा क्या, हम करे तो करे, क्या बोले तो बोले। आप लोग बोर हो जाओगे अगर मैं बोलना लगूंगा ना, आप लोग कहोगे यार कितना बोलता है यार ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे अगर आप मेरे से सामने मिलोगे ना, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बिल्कुल बोलता नहीं हूं, लेकिन ये कैमरा ऑन हो रहा है ना, तो क्या करूं, बोलना पड़ेगा, वरना आप लोग देखोगे नहीं और बोर हो जाओगे। सो दोस्तों, कमेंट मेरे को आप लोग ना, चलो कमेंट करो मुझे और मेरे को बताओ कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं, आपको क्या चीज पसंद है, ताकि मैं वो चीज बनाऊं और आपको मजा आए खूब सारा, तो मैं वो चीज करूंगा। ठीक है, अच्छे से करूंगा, मजे से करूंगा। मैं गरीब हूँ। वैसे मैं एक्टिंग भी अच्छी कर लेता हूँ। सो गाइज, जल्दी से लाइक कर ही दो, अभी भूल जाओगे, कमेंट भी कर दो आपको क्या देखना पसंद है। और मैं जल्दी से ना, नवरात्रि भी शुरू हो गई, तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जल्दी से दिया विया जलाता हूँ, कपड़े धोने हैं, उसके बाद नाश्ता बनाना है। अब मैं सोच रहा हूँ ना, नाश्ता मैं बनाऊंगा तो मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा बनाने में, आटा गूंथना, सब्जी काटना, पागल हो जाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ बाहर करूँ कि रूम पे ही बनाऊँ यार। वैसे मेरे को घर का खाना पसंद है, लाइक मैं खुद बनाऊँ तो मेरे को मजा आता है, लेकिन अभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, लेट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है नैनीताल में। तो जल्दी से चलो, मैं कपड़े वपड़े धोता हूँ, तब तक सोचता हूँ मैं कि घर में बनाना चाहिए कि बाहर खाना चाहिए। तो दोस्तों, ऑल सेट, बस अपनी घड़ी पहन लेता हूँ, इसके बिना मैं बाहर नहीं जाता, मतलब जब मैं तैयार होके जाता हूँ, मतलब पैंट शर्ट पहन के या फिर ऐसे। तो कैसा लग रहा हूँ मैं बताना जरा। शाम को जिम भी जाना है, मजा आ जाता है जिम जाके। आज मैं मारूंगा चेस्ट, तो मैंने कल मारी है। बोलने में ना शर्म सी लगती है यार, बोल फिर जैसे कैमरा ऑन होता है वैसे ही सब कुछ भूल जाता हूँ, क्या बोलना है, कुछ प्रनाउंस कुछ गलती हो जाता है, समझ सकते हो। चलो गाइस, फटाफट तैयार हो चुका हूँ, चलते हैं, स्कूटी निकालते हैं और सीधे।
चलो फिर चलते हैं नैनीताल, लेट्स गो। सो गाइस ये है मेरी गाड़ी, मेरी धन्नो है ये धन्नो। चलो तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ, सुनील कचौड़ी भंडार काफ़ी फेमस है हाइडल पे है, आप भी आ सकते हो और इनका काफ़ी फेमस है ये कचौड़ी। तो चलो शुरू करते हैं। जय शीतला माता देवी की जय। हल्द्वानी से नैनीताल 32 किलोमीटर है, तो पहुँच जाएंगे हम एक घंटे के आसपास, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता होता है तो स्लो चलूँगा तो एक घंटा लग ही जाएगा। सो गाइस देखो नैनीताल वाला रास्ता कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर कितना है, देखो हरियाली और ये टेढ़े मेढ़े रोड, बहुत प्यारा लगता है ये रास्ता। तो देखो दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था, नैनीताल के मौसम में ना आप कभी भरोसा कर ही नहीं सकते हो। यहाँ भाई साहब ऐसा मौसम हो गया है, देखो कोहरा लग चुका है पूरा, और सुबह धूप थी पूरी। यहाँ के मौसम पे भरोसा नहीं करते, इसलिए जैकेट लेके आना, मेरे को ठंडा लग चुका है। अभी पूरा कोहरा लग चुका था, देखो ऊपर देख रहा होगा, ये देखो पूरा कोहरा लगा है, और अभी धूप आ गई, ऐसी खतरनाक धूप आ गई ना, क्या बताऊँ मैं, मतलब रुक गया था जैकेट मतलब अपनी स्वेटर पहनने के लिए, लेकिन भाई साहब यहाँ का मौसम ना कन्फ्यूजिंग लड़कियों की तरह। तो देख लो कितना सुंदर लग रहा है नैनीताल, मौसम कैसा था और कैसा हो गया, कितना प्यारा मौसम हो गया। बस ये है आपका नैनीताल की एंट्री होती है यहाँ से, देखो यहाँ का मौसम ही अलग है। भाई इतनी भीड़ हो रही है ना यहाँ, और ऊपर से मौसम देखो यार, मतलब जिस मौसम का मैं इंतज़ार कर रहा था ना, मैं आप लोगों से कह रहा था कि भाई धूप में अच्छा नहीं लगता है, जब बादल हो तभी अच्छा लगता है। तो देखो अभी क्या क्राउड हो रहा है और क्या व्यू आ रहा है यार, ये देखो ना। वाओ पर पानी बहुत ऊपर आया हुआ है यार, अभी मछलियाँ दिखाता हूँ आपको। ओ भाई साहब बहुत सारी मछलियाँ यार, भाई क्या मौसम लग रहा है, वाओ। चलो दोस्तों आपको नैनीताल की मार्केट में ले जाता हूँ, तल्ली बाजार कहते हैं जिसे, लाइक पत्थर वाला पूरा बनाया हुआ है फुटपाथ, और छोटे छोटे से दिख रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं देख लो। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ मॉल रोड की तरफ, तो ये एंट्री होती है यहाँ से मॉल रोड की, तो जो कार से आएंगे उनको यहाँ पर पर्ची कटवानी पड़ेगी 40 रुपये की, बाकी बाइक वालों के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधे जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर 110 रुपये का कटता है यार, 110 रुपये का। ये छोटा सा पार्क है यार, घूमने का मजा ही अलग है यार। भाई भीड़ चेक करो, भीड़ देख रहे हो, क्राउड देखो यार नैनीताल का, ये बोटिंग के लिए हो रहा है, बोटिंग के लिए। कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो नैनीताल, भाई देख रहे हो भीड़। ये है माल रोड की एंट्री, यह जाता है माल बाजार, इसे कहते हैं मल्ली ताल, तो ये हो गई मल्ली मार्केट हो गई है, बड़ी सुंदर है ना धूप आगे। सो गाइस ये है तिब्बत मार्केट मल्ली ताल, अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या लगा हुआ है यहाँ, देखो जैकेट्स वगैरह लगे हुए हैं, गाड़ियाँ भी बिका हुए हैं यहाँ। ये देखो पूरा जाड़ों का सामान आ चुका है यहाँ, बताओ यार क्या दिलाऊं मैं आप लोगों को। वाव वाव कितना सुंदर लग रहा है यार, यहाँ पर नाव बन रहे हैं, ये देखो
और इसको सुखाने के लिए रखा गया है। अभी ये सूखेगा 10-15 दिन में, उसके बाद फिर ये यहाँ रेडी होके यहाँ आ जाएगा। देखो यार भाइयों, तुम लोग घर में बैठे हो और यहाँ देखो अंकल आंटी को लाए हुए हैं, कितने प्यार से ले जा रहे हैं। ये तो चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए यार, बस इतना ही सहारा चाहिए भाई लाइफ में। अच्छा चलो बताओ कौन सा चाहिए आपको यार, बताओ। चलो ले लेता हूँ एक, ये वाला क्या, ये वाला सही लग रहा है वैसे, बताओ कौन सा चाहिए भाई। नैनीताल में सेल लग चुकी है, देख लो 250 रुपये में है भाई सारा, 200-250। पूरी मार्केट ही मार्केट लगी है यार यहाँ हर चीज़ की। बताओ कौन सा पसंद आ रहा है, ये तो ले ही सकता हूँ मैं आपके लिए। सो दोस्तों ये रहा नैनीताल का मस्जिद, ये है गुरुद्वारा नैनीताल का, ये रही तिब्बत मार्केट नैनीताल की। देखो भाई क्राउड, देखो क्राउड, भीड़ देखो, बिजनेस देखो नैनीताल का यार। दोस्तों ये रही नंदा देवी मंदिर, चलो दर्शन कर लो। जय हो प्रभु। सो गाइस मैं भी आया था तिब्बत मार्केट और इतनी भीड़ हो रही है ना यहाँ, खतरनाक वाली भीड़ है। ऐसा नहीं कहूंगा कि चलने के लिए जगह नहीं है, जगह बहुत है। सो गाइस होप सो आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। जो बाहर रहते हैं, जो उत्तराखंड नहीं रहते हैं, वो तो खासकर देखना, तुम लोगों के लिए आया हूँ मैं नैनीताल, ताकि आप लोग देख सको नैनीताल कितना सुंदर है। सो जल्दी से दोस्तों, मैंने कहा था ना आपसे यहाँ कभी भी मौसम बदल सकता है, ठंडा हो सकता है, ठंडा होना शुरू हो गया है, वो तो अच्छा हुआ मैं लाया हूँ।